सर, तो G23 की चर्चा साल भर से चल रही है, डेढ़ साल तकरीबन, साल सवा साल से चल रही है। पहली बार आधिकारिक तौर पर उस ग्रुप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये समय क्यों चुना आप लोगों ने? क्या कल जो दो युवा नेता की ज्वाइनिंग हुई है वो वजह है, या पंजाब में जो एक क्राइसिस हुआ है पॉलिटिकल वो वजह है? अभी क्यों, फिलहाल क्यों? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया, और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा? आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। सर, आपने एक बात कही, पंजाब में ये स्थिति है, आपको क्या लगता है जो पंजाब में अभी स्थिति बनी हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना, अध्यक्ष बनाना, एक पुराने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा देना, और उस मुख्यमंत्री का ये कहना कि जिस तरह के व्यवहार मेरे साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, फिर ये गलती किसकी है? सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये बातें और ये चर्चा या तो CWC में होनी चाहिए या कांग्रेस की एक ऐसी बैठक में होनी चाहिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। सर आपने बात कही जब भी इस तरह की आप या जो तथाकथित जो G23 है, जब भी ये मौलिक सवाल उठाता है तो उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता एक परसेप्शन बनाते हैं कि आप लोग गांधी परिवार और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ है। जब भी इस तरह के संगठनात्मक बदलाव की बात आप लोग करते हैं, कोई भी इंसान और कोई भी जो पार्टी का वर्कर है वो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। एक वर्कर किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर वो कांग्रेसमैन है तो ये सवाल ही उचित नहीं है। हम किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते, हम तो पार्टी के पक्ष में हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। सर, मेरा सीधा सवाल है, आपने एक बात कही कि हमें पता है कि हमें नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है और पता है कि कौन फैसले ले रहा है, क्या ये आपका ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि कोई पंजाब को लेके जो भी बैठकें हुई, नहीं देखिए, राहुल गांधी अगर कांग्रेस अध्यक्षा के घर पर नहीं हुई, नंबर एक। और नंबर टू सर, क्या इस दौरान में जब तक आपने चिट्ठी लिखी है CWC की बात में, लास्ट में ये कहा गया था कि एक जल्द समय आएगा, अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके बाद में जैसे ही समय आएगा उसमें कोई आप लोगों के को कम्युनिकेशन हुआ है क्या अभी तक या नहीं? नहीं देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर, क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा, गलत हो सही हो ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप, लेकिन सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था जिस तरीके से? फिर वही बात, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर फैसला लिया गया, वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। CWC की नई तारीख को लेके कोई कम्युनिकेशन हुआ क्या? हमें नहीं मालूम। सर, आप कह रहे हैं कि आप PCC should be given a free hand, the DCC should not be appointed from Delhi. PCC should not be appointed from Delhi. The organizational structure at the bottom at the village level should be strengthened. This is something that the party will address, provided the party has a full-fledged conversation. सर साहब, आपने जो मांगे रखी हैं, आप बातें करिए, डेढ़ साल सवा साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं उतरी, तब आप लोग क्या? जब चलता रहा तो फिर हम भी देखेंगे, हम भी चलेंगे, एक पार्टी के साथ ही चलेंगे। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, कोई अध्यक्ष नहीं है। सिब्बल साहब, वन सेकेंड, सिब्बल साहब, आपने कहा पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है,
एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी के आप फैसले लेने के लिए अधिकृत नहीं है? नहीं देखिए पार्ट इसके बारे में मैं कह चुका हूँ, जो कहना था सवाल आपने पूछ लिया, मैंने उसका जवाब दे दिया, उसके आगे सवाल उठाने की जरूरत है। सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और किन लोगों से करना चाहते हैं जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भैया, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपको लगता है ऐसा ही चलता रहा तो कोई और विकल्प आ जाएगा? सर विपक्ष तो वहाँ हमारे स्पोक्समैन बैठे हुए थे ना, उनसे पूछिए। सर आपको लगता है कि विपक्ष में कोई और विकल्प आ जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए तो 2024? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक ये भी है कि पार्लियामेंट जब चलती है तो कई गंभीर मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अभी देखो पेगासस की बात हुई, ठीक है ना, और पेगासस में आपको मालूम है कि आपके मोबाइल फोन के द्वारा जो आप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो सरकार सुन सकती है। अब ये मुद्दे तभी उठेंगे ना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अच्छा चर्चा तभी होगी ना कि विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष मजबूत तभी होगा ना अगर कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तो चर्चा होगी कैसे? और हम सवाल कैसे पूछेंगे सत्ता पक्ष से, जवाबदेही कैसे होगी? तो इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा, कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना, देश के भविष्य का नुकसान होना, कांग्रेस का कमजोर होना मतलब देश की नींव का कमजोर होना। ये असलियत है और इसलिए हम दुखित हैं, इसलिए आज के दिन आई एम रियली वेरी वेरी अपसेट दैट आई हैव टू एक्चुअली कम टू यू। इट वॉज नॉट द डिजायर ऑफ ऑल ऑफ अस टू एक्चुअली डू दिस, बट वी हैव नो चॉइसेस एनीमोर। Sir, Abhishek Banerjee has said that we both have the same goal of defeating BJP, but Congress doesn't have enough belly, the fire in its belly to fight BJP. Do you agree? Aisa hai ke why should I make a statement of a leader of another political party, qua the Congress party? Let the leadership of the Congress party make that statement. Sir, aapko ye lagta hai ye sthiti bhi bahut badi vikat bani hui hai? शरद पवार साहब कहते हैं, बयान उनका आया कि वैसे जमींदार की तरह कांग्रेस है जिसकी पहले बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। टीएमसी का जो माउथपीस है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी फेल हो गए अपोजिशन लीडर के तौर पे। एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टियों का अपोजिशन क्या आप लोगों के यहाँ भी जमावड़ा हुआ? एक क्यों नहीं सामंजस्य बैठ पा रहा है? क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से ही विपक्ष एक? देखिए जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो बाकी नेता कह रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरा तो केवल एक ही मकसद है, यहाँ जो आम कांग्रेसमैन की पीड़ा है वो आपके द्वारा देश के सामने रखना और देश को अवगत कराना कि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पार्टी एकजुट होकर उभरे और कांग्रेस को मजबूत करे। इसी सोच के साथ मैं आपके सामने आ जाया। सर दो सवाल है। पहला ये कि आपने कई नेताओं के नाम गिनाए जिन्होंने हाल के वक्त में पार्टी को छोड़ा है। दूसरा आपने कहा कि संसद सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। तो जिन नेताओं ने पत्र लिखा था साल भर पहले, तो क्या कम्युनिकेशन गैप है लीडरशिप की तरफ से? आप लोग से कुछ सुझाव नहीं मांगा जाता? दूसरा सवाल यह है कि सर पंजाब की सियासत को आप भी देख रहे हैं, आप पार्टी लीडरशिप को क्या सुझाव देंगे? आप सार्वजनिक मैं कोई किसी को सुझाव नहीं देना, मेरी ऐसी कोई हैसियत ही नहीं है मैं किसी को सुझाव दूं। मैं तो इतना कहूंगा अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जरूर अपनी बात सामने रखूंगा। पहले कम्युनिकेशन गैप वाला नहीं, वो तो मैंने पहले महात्मा गांधी को कोट कर दिया, और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? Sir, in Kerala also we are seeing a big turmoil. People like Umman Chandy, Ramesh Chennithala, everyone is unhappy, and V.M. Sudhiran has resigned from the AECC post also. So I think Rahul Gandhi is in Kerala today. It is better that question be addressed. Are those leaders in touch with you? मेरा सवाल ये है कि आप लोग एक डेढ़ साल से लीडरशिप के साथ संवाद करना चाहते हैं, पहले भी आप लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों के ग्रुप का एक नाम रख दिया गया G23, एक बार फिर आप लोग प्रयास कर रहे हैं क्या? देखिए एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। मैं
सर ये नहीं था कि पार्टी आपको आप लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई नहीं जाती, पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, मीडिया में आप लोगों को बोलना पड़ रहा है। क्या लीडरशिप आप लोगों को अवॉइड कर रही है? मुझे नहीं आप लोगों के कंसर्न को एड्रेस नहीं करना चाहती है? मैं एक जनरेशनल चेंज के नाम पे आप लोगों का देखिए, मैं तो आपकी आपकी बात आपका सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं तो बात करना चाहता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ। सर इज दिस G23 एक्सपेंडिस मैन, व्हाट डू यू थिंक इज एलिंग द कांग्रेस पार्टी? इज इट बिकॉज़ ऑफ द लीडरशिप, द कनेक्ट ऑफ द लीडरशिप दैट इज एलिंग द कांग्रेस? नो, आई डोंट थिंक दैट देयर इज वन पर्टिकुलर इशू। आई थिंक इफ द कांग्रेस पार्टी फंक्शंस कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्वड। सर इज दिस G23 एक्सपेंडिंग? It was never G23, it was already much more, it was G23 plus. Now, amongst the G23, some minuses happened, but many pluses also happened. Thank you.